हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉप लॉस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद एंड टुडे सेशन ऑन निफ्टी पे चर्चा। जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, निफ्टी काफी पॉजिटिव ट्रेड में है और सिमिलरली आप क्लियरली देख भी सकते हो ग्लोबल ग्लोबल मार्केट के चलते। जो ग्लोबल मार्केट में जो लास्ट सेशन में जो अच्छी खासी रैली हुई, पॉजिटिव नोट पे मार्केट बंद हुआ था, उसी के चलते आज निफ्टी में भी अच्छी खासी गैप ओपनिंग के साथ एक अपना नया ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट ने ओपन किया लगभग। जो कि जैसे कि मैं लास्ट सेशन में आपको बताया था, 18,800 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आएगा लगभग। उसी के ऊपर आज ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। जैसे आप क्लियरली देख भी सकते हो, आप 18,800 इमीडिएट 18,800 हमारे लिए कल के सेशन के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस था। वही पे उसी के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग के साथ एक नया ऑल टाइम हाई बना लगभग 18,900 के आसपास का, और वही से मार्केट ने आज एक रेजिस्टेंस फेस किया। तो कल के सेशन के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल बन के आएगा अपसाइड के लिए रहेगा 18,900 का, और जो डाउन साइड के लिए सपोर्ट जो इमीडिएट सपोर्ट बन के आएंगे वो रहेगा हमारे लिए जो प्रीवियस सेशन का जो रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे एक्ट कर सकता है। आप क्लियरली देख भी सकते हो, मार्केट ने एट द एंड ऑफ सेशन अच्छा खासा सपोर्ट बनाते हुए एक रिबाउंड दिया था। तो आप क्लियरली कल के सेशन के लिए 18,800 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा पहला। तो उसके बाद नीचे की तरफ अगर आओगे आप तो नीचे की तरफ क्लियरली देख सकते हो इमीडिएट रजिस्ट और इमीडिएट सपोर्ट बन के आएगा वो रहेगा हमारा लगभग 18,680 से लेके 18,711। ये हमारे लिए सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएगा, और जो इमीडिएट सपोर्ट और सॉरी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के आएगा कल के सेशन के लिए रहेगा हमारे लिए 18,850 का। पहला रहेगा 18,850 का, फिर बाद में रहेगा 18,900 का। फिलहाल निफ्टी और पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रही है जब तक के मार्केट 18,780 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड करे तब तक हमारा भी पॉजिटिव रहेगा। जब भी अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोज दे देता है 18,680 या फिर 18,650 के आसपास के रेंज में आप अगर क्लोज दे देता है तो हमारा जो भी पॉजिटिव जो भी हमारा व्यू था, जो भी आपके लॉन्ग पोजिशन थे उसको आप क्योर अप करते ही नई पोजिशन की तरफ देखिएगा। लगभग जहाँ तक मुझे लगता है 18,680 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। जब तक कि मार्केट इसके ऊपर रहेगा तब तक कि हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा, और जब भी इसके मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमारा व्यू निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव बायस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल फिलहाल के लिए जो लॉन्ग पोजीशन जिनके जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है उनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो रहेगा 18,680 18,650 के लेवल का। जब तक के मार्केट इसके ऊपर है तब तक के हमारा भी पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली जो कल के सेशन के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है वो रहेंगे हमारे लिए कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 18,850 का। अगर मॉर्निंग में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है और गैप ओपनिंग के साथ 18,550 की लेवल मॉर्निंग में ब्रेक कर देता है तो हम इमीडिएटली 18,900 का भी लेवल कल देख सकते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम नया ऑल टाइम हाई भी कल देख सकते हैं लगभग जो कि लगभग 19,000 का। अगर नहीं मार्केट ने यहाँ से इसी लेवल से अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो एक हम वापिस से 18,800 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आएगा। अगर मार्केट ने अगर 18,800 की लेवल कल मॉर्निंग में अगर गैप डाउन ओपनिंग के साथ नीचे की तरफ ट्रेड करना चालू करेगा तो हमारे लिए इमीडिएट हर्डल बन के आएगा वो रहेगा 18,800 का। अगर गाइस 18,800 के लेवल वापिस से तोड़ देता है तो हमारे लिए वापिस से अपसाइड की लेवल खुल जाएंगी। और जो इमीडिएट अगर गैप डाउन होती है इमीडिएट लेवल जो फिर इमीडिएट सपोर्ट जो फेस कर सकता है मार्केट वो है लगभग 18,700 के आसपास का। तो अगर 17,700 के लेवल में अगर मार्केट तोड़ देता है और नीचे की तरफ चले जाता है तो 18,600 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आएंगे। यहाँ पे आपको अपनी आपकी पोजीशन जो भी अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे अगर इसी के आसपास अगर क्लोज कर देता है निफ्टी तो आपको जो भी अपनी लॉन्ग पोजीशन है उसको स्क्वेयर अप करना जरूरी है। अगर आपकी कोई भी पोजीशन स्क्वेयर अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन हो तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा आपका 18,650 का। ये लेवल मार्क करते हुए चलिए, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। ये स्ट्रॉन्ग लेवल रहेंगी जो कि मार्केट के लिए एक काफी अच्छा सपोर्ट बन के आ रही है। अगर हम वॉर डाटा चेक करें, वॉर डाटा में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है जो अगला सेशन मीन्स अगले एक्सपायरी के लिए जो डाटा बना हुआ है यहाँ पे क्लियरली आप क्लियरली देख भी सकते हो 18,900 एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 18,900। एंड देन इट विल बी जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो 18,900 तो 18,919,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के फिलहाल के लिए सेशन के लिए। और अगर इमीडिएट सपोर्ट जो इमीडिएट सपोर्ट जहाँ मार्केट फेस कर सकता है वो है हमारे लिए 18,750 का लेवल एंड बाद में रहेगा 18,700 का लेवल। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डाटा के अपना पुट राइट अगर आप देखो डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ लेवल 17,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ रहा है कल के सेशन के लिए, और इमीडिएट हर्डल बन के आएगा वो रहेगा 18,850 और 18,900 के लेवल। वो क्लियरली आप देख भी सकते हो
एट द एंड ऑफ सेशन जो कॉल रेटिंग यहाँ पे जो बड़ी है उसको उसको क्लियरली इंडिकेट आप कर सकते हो कि मार्केट एक इमीडिएट हर्डल फेस कर सकता है 18,900 के आसपास की लेवल पे। अगर कल मार्केट 18,800 के लेवल के ऊपर भी ट्रेड करना, अगर 18,800 के ऊपर ही ट्रेड करना लग गया, अगर मॉर्निंग में 18,800 की लेवल अच्छे खासा रुख मेंटेन करता है तो हम शायद ऊपर की लेवल देख सकते हैं। अगर मार्केट ने कल के सेशन में 18,800 की लेवल अगर ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो शायद हम नीचे की लेवल काफी जल्दी देख सकते हैं, जबकि लगभग 18,750-700 इस लेवल तक भी मार्केट कल के सेशन में जा सकता है। तो गाइस, तो कल के लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल बन के आ रहे वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहाँ मार्केट फेस कर सकता है वो है हमारे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है वो है लगभग 18,750 का, बाद में रहेगा 18,700 और आखिरी में रहेगा 18,650। ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करते हुए चलिएगा। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो मार्केट इमीडिएटली फेस कर सकता है वो लगभग 18,880 का, जो कि लगभग आज का हाई था। उसके बाद आएगा 18,950 और आखिरी में रहेगा 18,950 19,000। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जरा एक्ट कर सकता है कल के सेशन के लिए। तो इम्पोर्टेंट लेवल, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए भी यही रहे 18,650 की। जब तक ये मार्केट इसके ऊपर है तब तक ये व्यू हमारा पॉजिटिव रहेगा, जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोज दे दे आपका व्यू निगेटिव हो जाएगा। और हम रेगुलर बेसिस पे भी हम आपके टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलरली अपडेट करते हैं, जो भी हमारा कॉल भी जो भी हमारा अपडेट होता है मार्केट के रिलेटेड हम यहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करते हैं, तो आप क्लियरली देख भी सकते हो। मैं यहाँ दिन भर में अच्छे खासे कॉल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे जो कि कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज था। और यहाँ पे भी आप अपना अपने कॉल को एक मीन्स इसको लेते हुए आप अपने सेटअप के थ्रू अपने कॉल बना सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको मैं मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का पी का शॉर्ट का कॉल दिया था, श्योर शॉर्ट वाला, जो कि लगभग अच्छा खासा हिट भी हुआ था। और उसके बाद मैंने अदानी पोर्ट या स्टॉक ऑप्शन का भी आपको एक कॉल दिया था, ये भी आपके लिए, ये भी आप इसको प्रेफर करते हुए अच्छा खासा कॉल ले सकते हो अपना। अगर सेटअप इसको अगर आपका सेटअप इसको अलाउ करता है तो उस हिसाब से आप इसको अप्लाई करिएगा। ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज कॉल होते हैं, आप इसको बस एक स्टडी पर्पज आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ ग्लोबल, जो भी ग्लोबल अपडेट होता है, जो भी मार्केट अपडेट होता है, इस सर मैं रेगुलरली सब चीजें पोस्ट करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। आप इसको भी फॉलो करते हुए साथ ही में आपका जो सेटअप बनता है उसको फॉलो करते हुए अपडेट ले सकते हो और इसको फॉलो करिए गाइस। ये लेवल कम्प्लीटली, ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कम्प्लीटली फ्री होता है। एंड साथ ही में यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करते हैं जो भी ग्लोबल क्यूज होता है, जो भी मार्केट में चलता है। और साथ ही में हम अभी फिलहाल यूट्यूब पे भी रेगुलरली हम नए नए कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको भी फॉलो करिए। एंड जस्ट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।